कर्नाटक के इंटर कॉलेज में जारी हिजाब विवाद अब देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विमर्श का मुद्दा बन गया है। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। इस बीच कर्नाटक के इस कॉलेज का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि मुस्लिम छात्रा बुर्का पहनकर कॉलेज में आती है, उसे देखकर भगवा रंग के स्कार्फ पहने कुछ छात्र जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इस लड़की ने अकेले उनके सामने अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। अब हर कोई इस लड़की की हिम्मत को सलाम कर रहा है। आखिर कौन है ये नकाब वाली लड़की? भगवा गमछा में उग्र विरोध और प्रदर्शन करने वाले लड़कों के सामने डटी रहने वाली इस लड़की का नाम मुस्कान खान है। यह मांड्या शहर के PES कॉलेज में BCOM सेकेंड ईयर की छात्रा है। मुस्कान का कहना है कि विरोध और प्रदर्शन करने वाले बाहर के लड़के थे, वह कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। मुस्कान ने कहा, उन लड़कों के विरोध के वक्त कॉलेज के शिक्षकों का रुख उसके यानी मुस्कान के फेवर में था। शिक्षक उन लड़कों की भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उसे उन लड़कों से बचा रहे थे। मुस्कान कहती है, कॉलेज के उन सभी हिंदू दोस्त उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं और वह उनके साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर अधिकांश लोगों ने लड़की का समर्थन किया और उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग इसे अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पूरे घटनाक्रम में कॉलेज में हिजाब पहनकर आने की उन लड़कियों की जिद की आलोचना कर रहे हैं। विरोधी इस पर स्कूल के यूनिफॉर्म और नियम कानूनों के पालन का हवाला दे रहे हैं। वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने छात्रा की हौसला अफजाई कर उसे 5 लाख इनाम देने का ऐलान किया है। बता दें कि कर्नाटक में काफी समय से हिजाब पर विवाद चल रहा है। जनवरी में उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनने की वजह से कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया था, जिसके बाद ये छात्राएं कक्षा के सामने ही बैठ गई थी। इस मामले को लेकर उडुपी की एक छात्रा रेशमा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने हिजाब पहनकर कक्षा में जाने की इजाजत मांगी है। कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई है, बुधवार को फिर से कोर्ट सुनवाई करेगा।